ये देने के लिए अच्छी खासी नींद खराब कर दी। क्या कहा? कुछ नहीं, बेकार में चिल्लाओ मत मुझ पर। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने कहा तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आता। अरे यार, नहीं आता तो नहीं आता ही कहूंगा ना। नहीं आता तो उन लोगों से फाइट कैसे की? तो वो भी हिसाब किताब में आ गया क्या? ओहो, क्या मुसीबत है। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? एक्सक्यूज मी, वो ना ही मेरे पीछे पड़े थे और ना ही तुम्हारे पीछे। वो जो तुम्हारे टकले मामा है ना, उनकी वजह से, जैसे शिवाजी गणेशन के खानदान फिल्म में सावित्री का हाथ उड़ाकर जमीनी गणेशन के हाथ में दे दिया, वैसे ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया, उसी का नतीजा है ये मारपीट। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? अब ज्यादा बोलो मत, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वैसे भी मैं फाइट कर करके बहुत ही टायर्ड हो गया हूँ, इसलिए मुझे जरा सोने दो, नींद में कहीं ऊपर नीचे ना लग जाए, वरना तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। हाथ पैर लगने तो दो, फिर बताती हूँ, काट के रख दूंगी। अरे बाप रे, हे भगवान, इतनी ठंड। भगवान जल्दी आओ भगवान, एक मिनट। भगवान, हे भगवान, हर मुसीबत से बचा ले मुझे, हर मुसीबत से बचा ले मुझे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है स्वामी, तेरे सिवा सब है पानी, बचा ले बचा ले बचा ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर रही हो? अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़ो। देखो ये सब गलत है, भगवान की पूजा करते समय ये सब करोगी तो पाप लगेगा और भगवान दोनों आगे फोड़ देंगे। भगवान को छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस तरह कपड़े उतार कर तुम अगर मॉडलिंग करोगे तो $500 से तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे, तो मेहनत करने की क्या जरूरत? ये बताओ तुमने भगवान से क्या मांगा?
भगवान से, भगवान एक बहुत बड़ी मुसीबत से जान बचा ली, अब आगे आने वाली मुसीबत से भी तू ही बचा ले मुझे। और उससे पहले? उससे पहले मैं 10वीं में पढ़ते समय पास होने के लिए भगवान ने कृपा की थी, 12वीं में पढ़ते समय भी मुझे पास होने के लिए भगवान ने मेरी मदद की थी, उसके बाद सिंगापुर आने के लिए पासपोर्ट वीजा ये सारे सपने उसी ने पूरी किए, इस तरह 4 बार मेरी मांगे उसने पूरी की। अरे मेरा कपड़ा कहाँ गया? क्या देखो जरा मुंह घुमा लोगी तो अच्छा रहेगा, एक खूबसूरत बॉडी वाला लड़का जब अपनी पैंट पहन रहा है तो तुम बेशर्मों की तरह देख रही हो। देखो कहीं मुझे देखकर तुम्हें वो यू तो नहीं हो रहा है? पागल लगता है ये, इसकी तुम्हें मुझे ना तुम्हें घूरने का कोई शौक नहीं है। अरे मुझे कपड़े तो पहनने दो, समझ गए ना? हेलो डॉक्टर, हाँ मैं विमल बोल रहा हूँ। हाँ आप वहाँ से तुरंत निकलिए, आई नीड योर हेल्प। जी हाँ कुछ देर में आपको फोन करूंगा, तब तक आप आ जाइए। थैंक यू। ओके हेलो, हाँ मैं विमल बोल रहा हूँ। योगेश, हाँ सारे टैबलेट्स रेडी हैं? हाँ ठीक है रेडी। ओके एक काम करो, तुम फायर सर्विस को फोन करके बाइकल से बोलो 2 टैंकर पानी तैयार करके रखे, जरूरत पड़ेगी तो बोल दूंगा, समझ गए? ओके इसके अलावा सिटी में जितने भी ब्लड बैंक हैं उन्हें फोन करके एबी नेगेटिव ब्लड कितने बजे तक, सॉरी भूल गया था, ब्लड बैंक में 5 बोतल एबी नेगेटिव ब्लड तैयार करके रखे, मैं उन्हें फोन करूंगा, समझ गए? ओके थैंक्स, बाय। ये क्या है डार्लिंग, तुम फोन करके डॉक्टर एम्बुलेंस और फायर सर्विस क्यों बुक कर रहे हो? डार्लिंग You don't know one thing? मेरी बीवी को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसकी सारी चाल में अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम्हें और मुझे अलग करके रहेगा, इसीलिए सारी तैयारी कर रहा हूँ। अब वो क्या, अगर उसकी आत्मा भी आ जाए ना तो हमें फर्स्ट नाइट मनाने से कोई नहीं रोक सकता। So sweet, darling. डार्लिंग तुम दूध पी के थोड़ी देर आराम करो, मैं बाथरूम में जाकर अच्छे से तैयार होकर के आ जाता हूँ। ओके थैंक यू। आज हमारी पहली रात है, इसे हम मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, सुंदर से मनाएंगे, फूल फैलाएंगे और सुहाग रात मनाएंगे, फर्स्ट नाइट मनाएंगे। हाय डार्लिंग, ओ डार्लिंग, आज हमारी पहली रात है, हमारी सुहाग रात है। डार्लिंग ये तुम्हें क्या हो गया? डार्लिंग ये हमारी फर्स्ट नाइट है, डार्लिंग डार्लिंग। अरे बाप रे, डॉक्टर इमीडिएटली कम। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीवी शायद रात भर सोई नहीं होंगी इसलिए उन्हें नींद आ गई, जब नींद पूरी हो जाएगी तो ये अपने आप जाग जाएंगी। क्या डॉक्टर, मैं यहाँ मूड बना रहा था, तुमने नींद की बात करके सारा मजा किरकिरा कर दिया। डॉक्टर इफ यू डोंट माइंड एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या बेहोशी की हालत में फर्स्ट नाइट नहीं मनाया जा सकता? अच्छी थू, कैसे इंसान हो तुम? अरे जाओ यार, कौन सी गलत बात कह दी मैंने, मेरी खुशियों पर हमेशा पानी फिर जाता है, कहाँ है मेरा जल्लाद बड़ा भाई? आई नीड टू गो टू इंडिया बाय रोड। रोड? Yeah, because we are university students. Mm-hmm. You see, for thesis, we need to travel by road. Okay, wait a minute. Mm-hmm. ये क्या? तुमने जो पूछा था उस पर वो इतना टेंशन में क्यों आ गई? रोड से इंडिया तक जाना कोई आसान काम है क्या? मतलब सिंगापुर से हमारे देश के लिए सीधा रोड नहीं है क्या? कुछ भी अनाप शनाप मत पको, चुप रहो ना। अनाप शनाप? This is Singapore. From here you go to Malaysia, then you go to Thailand, then you go to Burma. By there you go to Kolkata. तुम इतनी साइलेंट क्यों हो गई? अब कैसे जाएं? तुम्हारे मामा तो सारा इंतजाम कर चुके हैं ना? वैसे तुम जरा भी फिक्र मत करो, अर्जुन को तीर, हरिश्चंद्र को इंसाफ, शालिनी को लाज और श्रावण को दिल, कोई भी आए भगवान हमारे साथ ही हैं। अब ये कहां चली गई? ए, अरे सुनो जरा इधर तो आओ, जब देखो तब कुछ ना कुछ तो लेती ही रहती है, बहुत अच्छे। जरा ये नंबर लगा कर देना। अरे देख क्या रही हो, आइसक्रीम नहीं पिघल जाएगी, जल्दी से नंबर लगाओ ना, वो आइसक्रीम लाओ। लगाओ। अब तुम खाओ ना। हेलो प्यारे, मैं सिंगापुर से नए किले का श्रवण बोल रहा हूँ। अरे यार मेरा पैसा तो भिजवा दे। ए, अरे मैं खुद यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे क्या हुआ यार? मैं सारी बातें गांव में आके बताऊंगा। ए, घर में माँ बाप बहन भाभी उनका जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ सबका ख्याल रखना यार।
मैंने ना यहाँ पर एक बड़ी मछली फंसाई है। ऐसा क्या? बस किसी भी तरह वो हमारे गांव में पहुँच गई ना तो समझ ले हमारा बेड़ा पार। देख झूठे सपने मत दिखा मुझे। ऐसी बात नहीं है यार, ये एक अलग मैटर है। अच्छा सुन, तू बस लड़के लोगों से कह दे कि मैं जल्दी से गांव में आ जाऊंगा और कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ए वैसे घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो तू प्लीज कुछ इंतजाम करके दे देना। हाँ? हाँ, देगा ना? हाँ, फोन रखूँ क्या? हाँ रख रहा हूँ। तुम बात नहीं करोगी? हे भगवान, तेरा सहारा, तुझ पे विश्वास करके मैंने दो पैसे कमाने वाली नौकरी छोड़ दी और इस लड़की का भी ख्याल रखना भगवान। हाय निमी, कैसे हो? क्या भगवान? क्या है? नहीं, तुम्हें लाइन नहीं मिल रही है ना, तो जल्दी लाइन मिल जाए इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। थैंक्स। हाँ कैसी है? बोल। मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? हेलो, तुम बात कर रहे थे तो मैंने कुछ किया क्या? नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ ना इसलिए। थैंक्स, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। जाओ यहाँ से। ए सॉरी सॉरी यार, तू बता कैसा चल रहा है? तू मेरी नहीं सुनेगा? भगवान के लिए मेरा कहना मान ले, उस लड़की के लाइन को तू तुरंत रोक दे। तू एक बार उसे देखेगी ना तो हंसती ही रह जाएगी। He's very interesting, यार। तो? मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक ऐसा इंसान कभी नहीं देखा है। He's great, you know? अच्छा? बहुत अच्छी फाइट करता है वो। इरादा क्या है? छी, अंकल की वजह से मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। मैं तुम दोनों की सेटिंग लगा दूं क्या? नहीं, इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। sure? अगर मुझे खुद ऐसा लगा तो मैं तुझे बता दूंगी, पर वो बहुत अच्छा लड़का है। शालू, टेक केयर यार। नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, यू टेक केयर। ओके, ये गलत है भगवान। जी भर के बात कर ली ना, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने किसी का खून किया है? हा? अरे ये क्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो वो मेरे सर पर मारने के लिए सिलेंडर लेकर आया था तो उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरकर मर गया, तो इसके लिए तुम मुझे क्यों खूनी कह रही हो? फिर तुम पुलिस से डरकर क्यों भाग रहे हो? मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है ना। मैं सब कुछ समझती हूँ। हाँ क्या समझती हो तुम? तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए हो बल्कि खुद को बचाने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हो, राइट? नहीं नहीं, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अच्छी खासी नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ आया हूँ। नो? यस। नहीं। अरे हाँ यार, देखो मैंने थोड़े ज्यादा पैसे मांग लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती रहो। अब तक ना रूम का भाड़ा, खाना, आइसक्रीम और ये कपड़ा और तुम्हारा वो यूज करने वाला फलाना फलाना वो सब फालतू चीजें हमारे देश के हिसाब से 7,750 रुपए खर्च हो गए हैं। ये सब तुम मेरी तरफ से पोंगल डिस्काउंट समझ कर रख लेना। तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? अरे तुम तो बेवफा निकली। क्या था? नहीं कुछ नहीं, रास्ते में पड़ा हुआ है क्या? एक्सक्यूज मी, लाइटर। थैंक यू। अरे रे रे, ये क्या पागलपन कर रहा है? hey! मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ, ये सच है। ये आग जलाकर क्यों कसम खा रहे हो? ये ना, जब हम सच्ची कसम खाते हैं तो अग्नि को साक्षी मानते हैं ना। ऐसे पब्लिक प्लेस में आग जलाने से पता है क्या होता है? वहाँ देखो है। तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं। Hey, who set the fire, man? अरे पुलिस, मैं आता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम भी चलो।